जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक इंस्टेंट रेसिपी इंडियन पिज़्ज़ा, जो बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इंडियन पिज़्ज़ा बनाने के लिए चाहिए हमको 5 स्लाइस ब्रेड की, 1 कटोरी रवा, 1 टेबलस्पून मलाई, बैटर बनाने के लिए दूध, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च आधा कटोरी, बारीक कटा हुआ प्याज आधा कटोरी, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बटर, नमक, लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से। सीजनिंग के लिए चाहिए हमको चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, और गार्निशिंग के लिए चाहिए हमको किसा हुआ चीज़। इंडियन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका बैटर, 1 कटोरी रवा, 1 टेबलस्पून मलाई और दूध। बैटर बना के हम 15 मिनट छोड़ देंगे। मीडियम बनाएंगे बैटर हम। ये हमारा इंडियन पिज़्ज़ा का बैटर तैयार है। अब हम इसको 15 मिनट छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आप सिर्फ ग्रीन कलर की भी डाल सकते हो, बारीक कटा हुआ प्याज, यदि आप प्याज नहीं खाते हो तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बच्चे स्पाइसी नहीं खाए तो आप हरी मिर्च नहीं डालो तो भी चलेगा, वन टेबलस्पून हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, सबको अच्छे से मिला लेंगे। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन या तवे में थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ब्रेड की एक साइज पे आप आपका बैटर लगाइए, ज़्यादा मोटा ना लगाए। एक साइड हम प्लेन रखेंगे। जिस साइड हमने बैटर लगाया है उस साइड से हम इसको सेकेंगे। मीडियम आंच पे आप सेकिए। ऊपर भी हम थोड़ा बटर लगाएंगे। आपका रवा कच्चा नहीं रह जाए अच्छे से मीडियम आंच पे सेकिए आप। पिंक होने तक हम सेकेंगे। अच्छी पिंक सिकाई हो जाने पे इसको पलट दे और दूसरी तरफ भी अच्छी सिकाई ले ले, अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी हमने अच्छा पिंक कर लिया है, दोनों तरफ से अच्छी पिंक सिकाई कर ली हमने। अब हम इसको निकाल लेंगे।
इसके आप जैसे पीस चाहे वैसे कर सकते हैं। गार्निशिंग के डाल रहे हैं हम चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब और चीज़। इसके साथ आप टोमेटो सॉस और हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। इंडियन पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।